find the interval in which the function f x equal to sin x plus cos x given interval is equal to 2 pi h increasing function और decreasing function के लिए आपको क्या करना है interval क्या करना है solve करना है ठीक है ना तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं तो first of all आपको जो function दे रखा है f x तो f x आपको यहाँ पे क्या दे रखा है sin x plus cos x आपको यहाँ पे दे रखा है function given आपको यहाँ पे sin x plus cos x तो अगर आपको increasing और decreasing function का interval find करना है कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो मैं आपके आपको करवा रहा हूँ उन स्टेप्स को फॉलो करना है ठीक है ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करना है तो एफ एक्स को आपने डिफरेंशिएट करने का समझा गया एफ डी एक्स का प्लस में आ गया साइन एक्स का प्लस में क्या होता है कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस में क्या होता है माइनस का साइन एक्स ये क्लियर है देन क्या करना आपको एफ डी एक्स को जीरो के इक्वल करना है क्लियर तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू आपको इसमें यहाँ पर क्या हो गया जीरो हो गया तो यहाँ से पास में कोस एक्स इक्वल टू एम पास में क्या आ गया साइन एक्स यहाँ से पास जीरो क्या आ गया कोस को इसके साइन के अपॉन में लिखा जो सॉरी कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू एम पास कितना हो गया वन हो गया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स होता है कोट एक्स इक्वल टू वन अब कोट एक्स की वैल्यू वन एक्स की किन वैल्यूज में के लिए होती है जीरो से लेकर टू पाई के बीच ठीक है ना तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पर बता दी ठीक है ना cot x equal to पास बना गया अब cot x equal to 1 है तो बता है 0 से लेके pi by 2 के बीच में pi by 4 पे cot pi by 4 के पास वैल्यू क्या होती है 1 होती है पास ठीक है तो फर्स्ट आपके पास में एक हो गया cot x equal to cot pi by 4 cot से cot कैंसिल हो गया x के पास वैल्यू कितनी हो गई pi by 4 हो गई क्या x equal to pi by 4 सिंगल एक पास वैल्यू हो गई एक में पास वैल्यू और हो सकती है 0 से लेके 2 पाई के बीच यस एक वैल्यू में पास और हो सकती है कौन से रीजन ऑफ आपको cot x इक्वल टू ऑपरेशन क्या है आपको पता है cot 225 इसको क्या लिखोगे आप 5 पाई अपॉन 4 आप लोग लिखोगे इसके पास वैल्यू क्या होगी पाई बाय 4 होता है 45 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 4 होता है 225 और cot 225 के पास वैल्यू क्या होती है प्लस में 1 आपके पास होती है तो ये इससे कैंसिल हो गया तो x के पास वैल्यू कितनी आ गई 5 पाई अपॉन 4 आपके पास ठीक है ना तो ये तो आपके पास में आ गया पॉइंट इन पॉइंट्स के ऊपर cot x इक्वल टू 1 आता है अब इंटरवल कैसे फाइंड करना होगा आपको क्या करना है 0 से लेके 2 पाई के अंदर आपके पास दो पॉइंट आपके पास में एक है पाई बाय 4 एक है पाई बाय 5 एक हो गया पाई बाय 4 एक हो गया 5 पाई बाय तो आपके पास में यहां पे कितने इंटरवल आपके पास में 1 2 एंड 0 से लेके पाई बाय 4 पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई आपके पास तीन इंटरवल आपके पास बने इनमें से तीन इंटरवल में से कौन सा इंटरवल इंक्रीजिंग होगा कौन सा डिक्रीजिंग आपके पास होगा इसको फाइंड आउट करने का तरीका देखो क्या होता है ठीक है ना बुक में बहुत कम दे रखा है फोकस करना है इसके ऊपर सबसे इजी वे आपके पास सॉल्व करने का क्या होगा वो देखो आपको क्या करना है आपको 0 से लेके पाई बाय 4 या पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 या 5 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई इनके बीच में फाइंड करना है तो क्या करो आप 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच की आपको क्या करना है किसका देखना है कि ये इंटरवल मेरे पास में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो क्या करो आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू मेरे पास है तो 0 से लेके पाई बाय 4 मतलब 0 से लेके 45 मेरे पास इसके मेरे पास एक बीच वाली वैल्यू यहां पे वैल्यू मेरे पास पहुंच चुकी है मेरे पास है पाई बाय 6 में क्लियर है बस में इस पाई बाय 6 के ऊपर f डे 6 की वैल्यू फाइंड अगर f डे 6 की मेरे पास वैल्यू क्या ठीक है f डे से सब प्लस किया था प्लस f x का डिफरेंस ने प्लस किया था प्लस में पर वो था प्लस में cos x माइनस का sin x cos x माइनस sin x सबके पास में था अब क्या करना है 0 से लेके pi by 4 के बीच में एक आप निकाल लिए वैल्यू लिए कौन सी लिए pi by 6 अब pi by 6 पे देखो कि f डे pi by 6 के पास वैल्यू क्या है पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है तो f डे pi by 6 तो cos pi by 6 माइनस साइन पाई बाय 6 अब कोस पाई बाय 6 के पास वैल्यू क्या होती है कोस रूट 3 अपॉन 2 और साइन के पास क्या होती है 1 बाय 2 तो ये पास क्या हो गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है पॉजिटिव वैल्यू आई है नेगेटिव मेरे पास वैल्यू आई है ऑब्वियस सी बात है रूट 3 मेरे पास होता है 1.732 आपके पास माइनस 1 कोस मेरे पास वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव मेरे पास वैल्यू आएगी ठीक है तो इस इंटरवल में जीरो से लेके पाई बाय 4 के बीच में आप अगर कोई भी वैल्यू रखोगे आपको बस एक वैल्यू पे चेक करना है हमेशा एक बार वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव एक बार वैल्यू क्लियर आपके पास में नेक्स्ट अपन करते हैं पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 के बीच
5 by 4 से लेके 5 pi by 4 मतलब 45 से लेके 225 के बीच का कोई भी पॉइंट है, 5 by 2 ले लो या 5 है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहां पे लिया 5 by 2 लिया, तो f is 5 by 2 पे अपन चेक, तो 5 by 2 का अपन लोगों ने चेक किया, तो f is 5 by 2 मतलब मेरे पास क्या हो गया, cos 5 by 2 माइनस का sin 5 by 2, cos 90 है ना वैल्यू थी 0 माइनस sin 90 के पास कितना होता है 1 होता है, तो 0 माइनस मेरे पास तो हो गया माइनस का, मेरे पास वैल्यू क्या आ गया यहां पर नेगेटिव आपके पास आ गया। आप कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, 45 और 225 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, हमेशा मेरे पास वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव मेरे पास वैल्यू आएगी, ठीक है ना। मेरे पास वैल्यू आपके पास यहां पर क्या आ गई है नेगेटिव वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट आपके पास 5 pi by 4 से लेके 2 pi के बीच मतलब 225 से लेके 360 के बीच में आप वैल्यू लेकर 270 के, और 270 का आप कैसे लिखोगे 3 pi / 2 आप लिखोगे यहां पर, क्लियर। तो f is 3 pi / 2 पे अपन देखते हैं, क्लियर। तो cos 3 pi / 2 माइनस sin 3 pi / 2, क्लियर। 3 pi / 2 के पास क्या होता है 270 प्लस होता है 270, cos 270 के तरफ वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिख सकते हो इसको कि cos 3 मल्टीप्लाई pi / 2 प्लस 0, और ये हो गया पास है sin 3 मल्टीप्लाई pi / 2 प्लस का 0, क्लियर। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 आप लोग वैल्यू फाइंड करते हो उस तरीके से फाइंड करते हो। अब pi / 2 के मेरे पास जो मेरे पास के कोएफिशिएंट मेरे पास वैल्यू है, ये इवन वैल्यू है या ऑड वैल्यू है, मेरे पास ऑड वैल्यू है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तो cos से चेंज होता है पास में sin होता है पास में, तो ये हो गया sin 0। फिर देखना है पास में 3 pi / 2 किस कोऑर्डिनेट में मेरे पास आता है, फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, आपके पास किसमें आता है, ये थर्ड आपका में आएगा या फोर्थ में आएगा, देखो 3 pi / 2 + 0 आपके पास में, मतलब क्या हो गया आपके पास में ये 0 ये pi / 2 ये pi ये आपके पास हो गया 3 pi / 2, तो आपके पास में क्या था 3 pi / 2 का आपका यहां पर था ये वाला प्लस 0 हो गया, मतलब कोई भी मेरे पास वैल्यू आपके पास सॉरी हो, तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास यहां पर फोर्थ पे पहुंच गया, फोर्थ में आपके पास में cos की मेरे पास वैल्यू प्लस में होती है माइनस में होती है, प्लस में होती है मेरे पास वैल्यू क्या हो गया, मेरे पास नहीं है प्लस हो, क्लियर। माइनस sin sin pi / 2 का आपके पास मेरे पास कितना है यहां पर 3 है, इवन है ऑड है, ऑड आपके पास में तो क्या करना है sin को चेंज करना, किस में करना आपको sin को चेंज cos में, sin होता है cos में, cos होता है sin, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास में cos 0, अब मेरे पास ये वैल्यू का आप लोग मेरे पास में वापस फोर्थ में होगी, फोर्थ में मेरे पास sin के पास वैल्यू क्या होती है तो यहां पर प्लस होती है माइनस होती है, प्लस हो गया मेरे पास माइनस हो गया आपके पास में, सो ये sin के पास वैल्यू क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया माइनस प्लस आपके पास होती है, तो sin 0 मेरे पास ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गया आपके पास यहां पर प्लस 1 आ गई, तो मेरे पास वैल्यू क्या आपके पास यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आ गई, क्लियर। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव ये मेरे पास वापस मेरे पास वैल्यू क्या आ गई यहां पर आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आ गई, क्लियर। अब हमको क्या करना है यहां पर इंटरवल इसका शो करना, तो ध्यान रखना जिस इंटरवल आपके पास में f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आती है वो इंटरवल के पास कौन सा होगा इंक्रीजिंग इंटरवल आपके पास होगा, इसमें नेगेटिव आई वो मेरे पास कौन सा होगा डिक्रीजिंग आपके पास होगा, क्लियर। यहां पर देखते हैं यहां पर जो मेरे पास जीरो क्या आती है, तो देख तो इसका इंक्रीजिंग मेरे पास इंटरवल मेरे पास क्या है, प्लस का क्या है 0 से लेके pi / 4 तक और 5 pi / 4 से लेके 2 pi, ठीक है ना। तो 0 से लेके pi / 4 तक दो इंटरवल है, दोनों को आप यूनियन से क्या करोगे अटैच करोगे, ठीक है ना, यूनियन 5 pi / 4 से लेके 2 pi, क्लियर। और जो डिक्रीजिंग मेरे पास होगा वो मेरे पास क्या होगा pi / 4 से लेके 5 pi / 4, pi / 4 से लेके 5 pi / 4, क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो गया इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपके पास में इंटरवल, ठीक है ना। तो एग्जाम आने के चांसेस है, ये कांसेप्ट याद रखना कि एफ डैश एक्स निकाल के स्टिल को आपके पास आ गए, इसके बाद क्या करना, आपके पास में एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, तीन पॉइंट है, जितने भी आपके पास पॉइंट है क्या करना आपको इस इंटरवल में शो कर देना, जितने भी आपके पास इंटरवल है मतलब तीन बन रहे हो चार बन रहे हो उन तीनों चार इंटरवल के बीच में देखना कि एफ डैश एक्स के मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव में होती है या नेगेटिव में पास होती है, पॉजिटिव होती है तो मेरे पास कौन सा होगा इंक्रीजिंग, मोर देन 1 अगर आपके पास आ जाए क्या करना आपको उनको यूनियन से क्या कर देना अटैच कर, ठीक है ना, कि 0 से लेके pi / 4 यूनियन pi / 4 से लेके 2 pi आपके पास, क्लियर। और अगर मेरे पास नेगेटिव है तो वो मेरे पास कौन सा होगा उसका डिक्रीजिंग आपके पास में इंटरवल आपके पास होगा,
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 20 पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आएगा वो भी चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास आएगा, एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंस इन आपके पास में। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन आएगा 2019 में आपके पास आ चुका है, उसके बाद देख लिया अपन। मैं गिवन आपको इफ ए रेडियस ऑफ ए स्पेस मेजर इज 7 सेंटीमीटर विद द एरर इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग इन द वॉल। मतलब आपको वॉल्यूम में क्या कितनी एरर होगी वो आपको क्या करना है, सो करना है, ठीक है ना। तो इस स्पेयर की आपको रेडियस दे रखी है, उसके स्पेयर की रेडियस जो एरर आपके पास है वो आपको दे रखी है, उसके वॉल्यूम में मेरे पास एरर कितनी होगी वो आपको क्या करना है, सो करना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, वो अपन लिखते हैं। गिवन है रेडियस ऑफ स्पेयर, क्या गिवन है आपको, यहां पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एरर इन रेडियस ऑफ स्पेयर, अगर रेडियस को आप किससे कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास में 800 बोल दो यहाँ पर, तो उसके जो एयर मेरे पास होगी उसमें से करोगे आप लिख दोगे यहाँ पर dr 100, तो dr इक्वल मेरे पास यहाँ पर लिखा हो गया 0.01 सेंटीमीटर आपके पास हो गया, ठीक है ना। स्मॉल r मेरे पास हो गया, रेडियस ऑफ इस पे मेरे पास हो गई 7 सेंटीमीटर, इस रेडियस के अंदर जो मेरे पास एयर मेरे पास हो, मेरे पास क्या हो गई dr आपके पास क्या हो गई 0.01 सेंटीमीटर आपके पास हो गई, ठीक है ना। तो एप्रोक्सीमेट एरर इन द वॉल्यूम आपको फाइंड होगा, फाइंड क्या करना है आपको, एप्रोक्सीमेट एरर इन स्पेयर वॉल्यूम, और वॉल्यूम का वो कहता है 20 ओवर जो, तो वॉल्यूम में जो एरर आपके पास में होगी उसको इससे सोवर क्या हो गया, डी 20 ओवर हो गया, तो डी डी क्या हो गया करनी है आपको, वैल्यू फाइंड करना। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके पास में देख लो, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आपके पास में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होगा बस, यहाँ पर बी आपके पास क्या होगा बस, 4/3 πr³ होगा, आर इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर आपके पास, ठीक है ना। तो वी इक्वल टू हो गया 4/3 πr³ आपके पास में, अब मैं क्या किया इसके दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया, किसी के साथ नहीं कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों साइड, तो वी का डिफरेंस आपके पास क्या हो गया, आपके पास में डी वी आपके पास हो गया 4/3 कॉन्स्टेंट ले लो, पाई कॉन्स्टेंट ले लो, 3r³ का मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास में 3r² हो गया, तो r का मेरे पास कितना हो गया dr आपके पास हो गया, ठीक है ना। तो इस जैसे ये मेरे पास हो गया कैंसिल, तो dv इक्वल मेरे पास कितना आ गया 4πr² dr आपके पास, ठीक है ना। r के पास है क्यों dr आपके पास में, dv आपको फाइंड करना, तो dv वॉल्यूम में एरर आपके पास 4π का मेरे पास 4π, r के पास कितना हो गया 7π² मल्टीप्लाई dr के पास कितना हो गया 0.01 आपके पास, ठीक है ना। तो dv ये तो क्या पाई 4×49 0.01 आपके पास, तो dv पाई ब्रैकेट 4 को मल्टीप्लाई करोगे 49 से, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 196 को मल्टीप्लाई किया 0.01 से, तो dv मेरे पास कितना आ गया बस यहां पर 1.965। अब v मेरे पास में क्या, वॉल्यूम मेरे पास में, वॉल्यूम के ऊपर यूनिट मेरे पास क्या होती है m³ cm³ आपके पास में, या सेंटीमीटर दे देते हैं, मतलब मेरे पास क्या आएगा, पास में cm³ आपके पास, तो जो मेरे पास वॉल्यूम में मेरे पास एरर आई है, पास में जो मेरे पास में 1.965 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, यहां तक करोगे तो कोई दिक्कत आपके पास नहीं। क्लियर। तो r गिवन था, dr गिवन था, dv फाइंड करना था, स्पेयर का दिया था, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर पास में क्या था, v इक्वल टू 4/3 πr³, इसको आप डिफरेंशिएट कर दिया प्लस में dv इक्वल टू क्या 4/3 πr³ के पास कितना हो गया 3r² r वापस से पास कितना हो गया dr आपके पास में, dv का dv ये 3 से 3 कैंसिल 4πr² dr पाई ऑफ 4 सेम टू सेम r के पास वैल्यू कितनी होगी 7 7² मल्टीप्लाई 0.01 इसको सिंपलीफाई करते हैं मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 1.965 सेंटीमीटर की। तो ये मेरे पास में क्या हो गया स्पेयर के वॉल्यूम में एरर मेरे पास में आ गई, वही आपको करना था फाइंड। तो 2018 में आया था मैक्सिमा मिनिमा का आपके पास क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास था एग्जाम के लिए, क्या गिवन था प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन x अपॉन 1 + x tan x इज मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू cos x आपके पास, ठीक है ना। तो क्या करना था आपको, ये फंक्शन गिवन है, ये मैक्सिमा होगा मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी जब x इक्वल टू मेरे पास क्या है cos x है, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर। तो देखो एक बार कैसे करना है, ये फंक्शन आपको दिखता है, आपको पता है मैक्सिमम मैं आपको निकालना है, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है 2 बार,
ठीक है ना। अब इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास फंक्शन है 1 plus x tan x, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को fx / gx वाला बड़ा वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और मेरे पास जो क्वेश्चन होगा वो बहुत क्या बन जाएगा, ट्रिकी आपस बन जाएगा, सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसको इजी वे में कैसे करते हो देखो, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई फंक्शन आपको दे देता है fx, ये अगर आपका x के किसी पॉइंट पे मेरे पास में क्या है मैक्सिमम मेरे पास में, तो अगर इस फंक्शन को मैं उल्टा करूं जो वैल्यू होगी मेरे पास में gx की वो क्या होगी, मेरे पास मिनिमम मेरे पास वैल्यू, जैसे मेरे पास में क्या है f x मेरे पास में, ये मैक्सिमम है x equal to cos x, अगर मैं इस फंक्शन को उल्टा कर दूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि x equal to cos x है मेरे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा मिनिमम आपके पास होगा, ठीक है ना। इसी ट्रिक से अपन इसको सॉल्व करते हैं, if f x equal to x upon 1 plus x tan x is maximum ax equal to cos x, then gx which is 1 upon fx is minimum ax equal to cos x, ठीक है ना। तो क्या करना आप लोगों को, आप लोग अगर प्रूफ कर दो कि gx जो मेरे पास में है वो 1 upon fx है जो है वो अगर मेरे पास में मिनिमम प्रूफ कर दो x equal to cos x का मैं मिनिमम प्रूफ कर दो तो मैं उसको क्या बोल दूंगा कि जो fx होगा वो क्या होगा x equal to cos x मेरे पास में क्या होगा मैक्सिमम आपके पास होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से gx की वैल्यू फाइंड करूं, gx equal to मेरे पास में क्या है 1 upon fx, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 1 plus x tan x divided by x upon, ठीक है ना। तो यहां से gx के पास वैल्यू कितनी होगी 1 upon x plus tan x। अब क्या करना है आपको gx, ये gx फंक्शन है तो क्या करना है आपको मिनिमम प्रूफ करना है x equal to cos x, ठीक है ना। कंडीशन है पास में क्या स्टेप होता है, जो फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करो, उसको जीरो के इक्वल करो, x की वैल्यू फाइंड करो, फिर उस फंक्शन को वापस एक बार और डिफरेंशिएट करो, x की जो मेरे पास वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की उस गिवन फंक्शन में पुट करो, अगर मेरे पास में ग्रेटर देन 0 आता है लेस देन 0 आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना। तो gx को डिफरेंशिएट करके मेरे पास वैल्यू आएगी gx आपके पास में 1 upon x का पास क्या होगा, पास में माइनस का 1 upon x स्क्वायर और tan x का पास क्या होता है पास में sec स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करना आपको g dx x को क्या करना आपको 0 के इक्वल करना है, तो जो मेरे पास में आपने क्या किया जो फंक्शन था उसको आपने डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन लिखा है उस डिफरेंशिएट फंक्शन को आप लोगों ने क्या किया 0 के इक्वल किया, माइनस का 1 upon x स्क्वायर plus sec स्क्वायर x इक्वल में 0, तो यहां से पास क्या हो गया 1 upon x स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x आपके पास में आ गया। यहां से अगर मैं x स्क्वायर बनाऊं मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास में 1 upon sec स्क्वायर x, 1 upon sec स्क्वायर x के पास में क्या हो गया cos स्क्वायर x, तो यहां से मेरे पास में x के पास वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस का cos x आपके पास वैल्यू आ गई, x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया प्लस माइनस cos x, आपको तो प्लस cos x के लिए चेक करना था तो अपन इसमें से प्लस cos x के लिए चेक करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास में क्या है, जो आपने g dx निकाला है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो और x इक्वल टू cos x में पुट करो, मेरे पास जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव मेरे पास वैल्यू आती है नेगेटिव आती है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है लेस देन मेरे पास 0 होता है, ठीक है ना। ओपन चेक करते हैं, देखो एक बार आगे तो आपके पास में क्या था, देखो आपके पास में जी डी एस एक्स आपके पास यहाँ पर क्या था, तो जी डी एस एक्स आपके पास में माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। आपने इसको डिफरेंशिएट किया एक्स के साथ में बन सके, तो जी डबल डी एस एक्स आपके पास हो गया माइनस का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या होता है माइनस का 2 अपॉन एक्स की पावर 3 आपके पास, ठीक है ना। इससे निकालोगे डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का मेरे पास क्या होता है एन एक्स एन की पावर 1 मेरे पास में, तो डी अपॉन डी एक्स मेरे पास में क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब डी अपॉन डी एक्स इसको मैं लिखूं एक्स की पावर माइनस 2 x की पावर से पास क्या होगा माइनस 2 x की पावर माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 2 x की पावर माइनस 3 माइनस 2 अपॉन x की पावर प्लस की आपके पास हो गया, ठीक है ना। तो 1 अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के साथ पास क्या आ गया माइनस का 2 अपॉन x क्यूब प्लस अब sec स्क्वायर x क्या होगा x की पावर n से पहले इसको ओपन किया तो x x के पास क्या हो गया sec x हो गया की पावर मेरे पास क्या होती है x स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 2x होता है तो sec स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया 2 sec x हो गया, वापस sec x का आपने क्या किया x के
साथ में क्या आपके पास क्या आएगा sec x मल्टीप्लाई tan x आपके पास क्लियर। तो यहां से g डबल डैश x आपके पास देखो क्या है 2 अपॉन x क्यूब प्लस 2 का 2। अब यहां पर मैं इसको क्या करूंगा sec square x, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 sec square x मल्टीप्लाई में tan x आपके पास ये हो गया। अब इसको अगर मैं sec square और tan x को sin और cos में कन्वर्ट करूं तो g डैश x आपके पास में 2 अपॉन x क्यूब प्लस ये पास में ऐसा होगा पास में 2 अपॉन sin x अपॉन cos क्यूब x आपके पास ठीक है ना। तो sec square x हो गया 1 अपॉन cos square x, tan x हो गया sin x अपॉन cos x, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में पास में क्या हो गया cos square x मल्टीप्लाई cos x में पास क्या बन गया cos क्यूब x, इसको में पास क्या बन गया sin x में पास बन गया। तो ये मेरे पास आ गया g डबल डैश x। अब आपको x इक्वल टू प्लस cos x में चेक करना था तो g डबल डैश x की वैल्यू x इक्वल टू cos x पे मेरे पास में क्या x इक्वल टू cos x पे मेरे पास में क्या आती है वो अपन चेक करते तो 2 अपॉन cos cube x प्लस 2 sin x अपॉन cos cube x, इसको क्या लिखोगे 2 प्लस 2 sin x अपॉन में cos cube x। ये जो आपको वैल्यू दिख रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है लेस देन इक्वल टू 0 है, नेगेटिव है पॉजिटिव वैल्यू आपके पास में ऑब्वियसली बात पॉजिटिव आपके पास में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर आपके पास में g डबल डैश x एट द गिवन पॉइंट आपके पास में क्या आ जाए आपके पास में पॉजिटिव आपके पास में आ जाए क्लियर, उस केस में उस x की वैल्यू के लिए फंक्शन के पास में क्या होगा मिनिमम मेरे पास होगा और ये आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो आपके पास क्या आ गया ये जो gx मेरे पास में है वो x इक्वल टू cos x मेरे पास में क्या आ गया मिनिमम मेरे पास में आ गया। और अब उसी केस में gx अगर मेरे पास में x इक्वल टू cos x मेरे पास मिनिमम है तो उसका fx जो होगा वो x इक्वल टू cos x मेरे पास में क्या होगा मैक्सिमम आपके पास होगा ठीक है ना। सो gx इज मिनिमम एट x इक्वल टू cos x देन fx h maximum at x equal to cos x और ये क्या करना था आपको ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना fx को gx में कन्वर्ट कर दो मैक्सिमा के कंडीशन में तो मेरे पास मैक्सिमा है तो मिनिमा मेरे पास आ जाएगा और इस तरह से आप इसको सॉल्व करना एग्जाम में आने के चांसेस इस बार भी इसके तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ना। तो आज हमने 19 और क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस किया है तो बुक में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने जो भी आपके डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।